जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज आप सभी के बीच में मैं अखिलेश यादव, राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस, किसान बिल जिसे हम एंटी फार्मर्स बिल कह रहे हैं उसे लेकर के आया हूँ। साथियों, कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के हमें आज़ादी दिलाई और बंधुआ मजदूरी से हमें आज़ादी दिलाई। किसानों जमींदारों की जो ज़मीन थी वो लेकर के भूदान किया, गरीब किसानों को दिया। और आज बीजेपी फिर से वो जो गरीब किसानों की ज़मीन है वो अडानी अंबानी जैसे लोगों को देना चाहती है, इसलिए वो ये बिल ले आई है। वो हमें MSP नहीं देना चाहती है, जो एक किसान का हक है। साथियों, जब इस तरीके की सरकार जो सिर्फ कॉरपोरेट्स को मदद करेगी, जो सिर्फ बिजनेसमैन को मदद करेगी और हमारे अन्नदाताओं को भूखा मार देगी, उस सरकार का और उस बिल का हम विरोध करेंगे, यूथ कांग्रेस विरोध करेगी। मैं आप सभी को एग्जांपल देना चाहता हूं कि आज लखनऊ एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट हो गया, कुछ दिनों में मुंबई, कुछ दिनों में त्रिवेंद्रम का जो एयरपोर्ट है वो अडानी एयरपोर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसके थ्रू शुरू होगी, किसान भूखा मर जाएगा। ये पहले तो बहुत अच्छा दाम देंगे, जैसे कि जियो आया तो फ्री में सब कुछ दिया। आज जियो इतना ज़्यादा उसने मार्केट बना लिया कि BSNL और MTNL को बंद करना पड़ रहा है। और इसी तरीके से ये जो मोदी की सरकार है, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है और किसानों को भूखा मार देगी। यूथ कांग्रेस इसका विरोध करती है और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद, नमस्कार।